अस्सलाम वालेकुम। आप इलाहाबाद फरमा रहे हैं वॉइस ऑफ लीगल राइट्स, और मैं हूँ आपका वो तालिब एडवोकेट। नाजिन, हमने पिछले व्लॉग में कहा था कि आपको कुछ खुशखबरियाँ देंगे, तो आवाम की हद तक हैं वो। जैसा कि आप जानते हैं कि आटे की कीमतों का एक बड़ा मसला हुआ हुआ है, एक वो बात हम करेंगे, और दूसरी बात हम ये करेंगे कि एम्प्लाइज का थोड़ा सा महदूद हक खुला है, और वो भी हुकूमत से ज़्यादा जो है ना, वो उसमें किरदार है अदालत का, और वो किस सूबे से है ये हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो बिजली की जो कीमत है वो उस पर होशरुबा इजाफा हो रहा है, और किसे इनकार है कि रोटी सस्ती करना जो है वो आवाम के हक़ में अच्छा नहीं है, लेकिन मारूजी हालात नहीं देखे गए एन उस वक्त जबकि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, जिससे जनरली हर चीज़ में की कीमत में इजाफा होता है। अगर आप अर्बन एरियाज़ के लोग जो रोटी खाते हैं उसकी हद तक तो उन्हें रिलीफ तो मिल गया, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने के लिए थोड़ी सी एक मामले को गहरी नज़र से देखने की ज़रूरत है कि इस वक्त पंजाब के किसान बहुत परेशान हैं, उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, और वो गवर्नमेंट की तरफ से कम कीमत रखने पर नाला हैं। उस पर मस्तजात के डीजल जो इस्तेमाल होता है ट्रैक्टर वगैरह के हिसाब हवाले से, उसमें पेट्रोल की नस्बत भी ज़्यादा इजाफा किया गया। तो पंजाब हुकूमत को हम ये कहेंगे कि मारूजी हालात देखते हुए आप कोई भी डिसीजन लें, ठीक है ना? और अगर आप ये समझते हैं कि इससे ज़िमनी इंतखाबात में आपको फ़ायदा शायद हो जाए, तो मेरा कोई ऐसा ख्याल नहीं है, क्योंकि नान भाई जो बेचारे हैं ना वो भी सख्त परेशान हैं, और पेट्रोल की जो आयल टैंकर्स वगैरह वो बड़ी मुश्किल से वो हड़ताल ख़त्म करने पर रजामंद हुए हैं। तो ये हालात देख के मुल्क के मरूजी फिर कोई स्टेप उठाना चाहिए। और दूसरी बात अगर हम आपसे करें तो वो ये है कि सिंध में जो है वो सरकारी मुलाजमतों पर पाबंदी लगा दी गई थी, उस हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है। सिंध हुकूमत को मुख्तलिफ महकमों में ग्रेड 1 से 15 तक सरकारी मुलाजमत फराहम करने के लिए कानूनी तरीके अपनाने की हदायत की है। सिंध के हालात मैं कहूँगा तो मुझे किसी पार्टी की या मुखालफत की छाप लग जाएगी, मेरे नाज़रीन बहुत बेहतर समझते हैं। अगर हुकूमत को इन असामियों पर ज़रूरत है तो ज़्यादा दोबारा इश्तहार देकर कानून के मुताबिक भर्तियां करें, ये कहा फरमाया है जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने। और अगर इलेक्शन से पहले भर्तियां कानूनी थीं तो मुतद्दिद डिप्टी कमिश्नर ये काम करने से इनकार क्यों किया? यानी जो पिछली निगरान हुकूमत में हुई थी कई डिप्टी कमिश्नर ने इनकार कर दिया था। क्या हमें यह भी बताएंगे कि किस डिप्टी कमिश्नर ने ऐसा करने से मना किया, ये अदालत ने पूछा है। और ये क्या तरीका है कि हुकूमत जाते जाते नौकरियां बांटती जाए? डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर और बैंक अपॉइंटमेंट लेटर ले लें, ब्लैंक अपॉइंटमेंट लेटर ले लें, अदालतों को सब पता होता है कि अब सरकारी कारकुन का काम नौकरियां बेचना रह गया है। मैं फलां तल्लुके का सेक्रेटरी हूं, मुझे 10 नौकरियां दे दें, मैं सदर हूं, मुझे 15 दे दें, अदालत के रिमार्क्स। और अदालत कहेगी कि अगर माशरे को बेहतर करना है तो फिर हर एक को इसका हिस्सा देना होगा, और अगर ये सोच लिया कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ेंगे और वहीं रहेंगे तो दूसरी बात है, अगर वतन छोड़ना नहीं चाहते तो मेरिट को अपनाएं, सोशल जस्टिस बुनियाद है। कितनी ज़बरदस्त बात हमारे मोजस चीफ जस्टिस साहब ने, मोजस सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने की है, और ये काबिल तकलीद बात है। दूसरे मोजस जस्टिस साहबान इंक्लूडिंग चारों सूबों के और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहबान भी, क्योंकि आपके पास PTCL, EOBI और नेशनल बैंक के केसेस हैं। नेशनल बैंक को तो एक लिहाज से एक बड़े जो मामले में जो है उन्हें रिलीफ मिल गया है, लेकिन PTCL और EOBI की जो
मुतद्दिद केसेस हैं, उनमें सुनवाई कब होगी? ना सर, इजाज़त दीजिए, अगले जो नशिस्त है उसमें हमारा वादा है आपसे कि हम आपको वो केस की डिटेल बताएंगे। तो हम तक पहुंच चुकी है, लेकिन इस वक्त चूंकि वो सामने नहीं है, तो मैं कुछ गलती के व्यू पॉइंट से इस वक्त आपके सामने नहीं ला रहा। और ये पिछली व्लॉग में भी मैं ये कहना भूल गया कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्लाह के बंदो सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन को क्लिक कर लिया करो, क्योंकि ये है आपका अपना चैनल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।